दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA की सालाना बैठक के दरमियान उस वक्त जमकर मारपीट हुई, जिसमें पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली से संज्ञान लेने की बात की है और DDCA को तुरंत भंग करने की मांग की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को शर्मसार करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट से जुड़े लोगों की ये करतूत कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल रविवार को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना बैठक चल रही थी। बताया जा रहा है कि AGM की बैठक में अचानक दो पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, पदाधिकारियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दरअसल DDCA की सालाना बैठक में फैसला लिया गया कि नए अध्यक्ष के लिए चुनाव 13 जनवरी को होगा। इस दौरान कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी हुई और फिर हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजन मनचंदा से धक्का मुक्की की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी बुलाना पड़ा। DDCA मारपीट मामले को बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शर्मनाक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर BCCI चीफ सौरव गांगुली, सचिव जय शाह को टैग कर कहा कि DDCA ने शर्मनाक तरीके से सारी हदें पार की। देखिए किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व एक संस्थान को मजाक बना रहे हैं। मैं BCCI सौरव गांगुली जय शाह से DDCA को तुरंत भंग करने का आग्रह करता हूँ। निश्चित तौर पर इस घटना में शामिल लोगों को सजा या आजीवन पाबंदी लगाई जाना चाहिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। DDCA की मीटिंग में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आप लगातार ये न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।